आइए बेटा, अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जिसमें कि एबी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर, सीडी 4 सेंटीमीटर, डीए 5 सेंटीमीटर, एसी 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि आपको इसका एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, रफली एक हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा इसका डायग्राम। हम मान लेते हैं कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी, और ए से सी को इसको मिलाया गया ए सी। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे इस क्वाड्रिलेटरल को, तो इस क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल बन रहे हैं और हमें हर एक साइड की लेंथ दे रखा है। तो सबसे पहले ए बी कितना दे रखा हमें 3 सेंटीमीटर, बीसी कितना हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सीडी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंड डीए कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एंड एसी भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल देंगे, और फिर उसके बाद एरिया एडीसी का निकाल देंगे ट्रायंगल का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए एक एक करके सबका एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी लिए बेटा, तो ए बी सी के तीनों साइडों को हम लोग नोट करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं इसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, ये हम लोग ले लिए। अब हमें निकालना है सबसे पहले इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों को प्लस कर देंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स 12। देखिए 8 और 4 12, 12 अपॉन 2 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स, वही फार्मूला लगाएंगे हीरोन्स का, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यानी एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा बेटा हमारा 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फैक्टर करेंगे। तो 6 देखिए 3 और 2 का फैक्टर है, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 1 का फैक्टर सेम होता है। इसमें देखिए बेटा 3 का पेयर बन रहा है ना, तो 3 और एक 2 का भी पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर निकल आएंगे रूट से, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया किसका एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का। अब हमें किसका एरिया निकालना है, अब हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल ए डी सी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, सेम वही प्रोसीजर। सबसे पहले हम इसकी तीनों साइडों को नोट करेंगे, तो कौन सा ए डी 5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर एंड ए सी 5 सेंटीमीटर। फिर इस ट्राइंगल का भी क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर एस, एस इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, इन तीनों को प्लस करके हाफ कर देंगे, 5 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल्स इन रूट एस, एस माइनस ए, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5। अब
आगे रूट में इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। यहां पर देख रहे हैं बेटा सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, 3 का और 7 का नहीं बन रहा है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसके बगल में ही नोट कर देता हूं क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, तो इसका एरिया आ जाएगा बेटा 2 रूट में 21 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया गया हमारा ए डी सी का। अब हमें टोटल एरिया चाहिए तो यहां पर लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स हो जाएगा, पहले का एरिया कितना था 6 सेंटीमीटर, तो 6 प्लस 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा।